गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन गाइस। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ और इस रेसिपी का नाम है पनीर टिक्का। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और झटपट होने वाली चीज़ है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले लगेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, यहाँ पे मैंने ली हुई है लाल मिर्च की पाउडर, यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने यहाँ पे लिया है ड्राई ओरिगैनो, एंड मैंने पनीर के जो है इस तरीके से क्यूब्स कट कर लिए हैं। तो चलिए अब इस मैदा में जो है हम ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है यानी इफ़ यू वांट टू ट्राई चिली फ्लेक्स तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ ओरेगानो, दैट्स इट। हम इसमें डालेंगे नमक, बिल्कुल भी स्वाद अनुसार डालना है आपको। याद रखें कि ओरेगानो और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट में जो है पहले से ही थोड़ा सा नमक होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको इसमें डालना है। अब इसमें हम धीरे धीरे जो है पानी मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने जो है पानी मिला लिया है, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें इसे थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में रखना है। रीज़न ये है कि ये पनीर को अच्छे से कोट होना चाहिए, अगर हम इसे ज़्यादा पतला बनाएंगे तो पनीर अच्छे से कोट नहीं होगा, तो इसीलिए जो है हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरीके से जो है मैंने ये बैटर पूरी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स, और इस पनीर के क्यूब्स को हम अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है ऑलरेडी गर्म करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे बटर, बटर को अच्छे से मेल्ट होने देना है। जैसे मेल्ट हो गया है, मैंने गैस जो है स्लो फ्लेम पे रखा है, और अब हम इस पनीर को जो है एक एक करके इसके ऊपर रखने वाले हैं इस तरीके से। अब हमें इसे थोड़े से हाई फ्लेम पे जो है इसे सेक लेना है, तो चलिए सेक लेते हैं। तरीके से जो है मैंने पनीर को फ्लिप कर लिया है, और इसको बटर में आपको आराम से होने देना है ताकि इसका जो अच्छे से कोटिंग जो है वो पूरी तरीके से सेक जाए, हमारे पनीर को भी इसकी टेस्ट लग जाए। तो इस तरीके से ये पनीर अब दिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा पनीर का रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ताकि इसका टेस्ट और थोड़ा बच जाए, एंड वी आर रेडी टू ईट। वीडियो मुझे जरूर बताना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।